तो आज मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब रूट। तो पहले मेरा मार्कर आने दो, ये आ गया। तो पहले एक नंबर लेंगे जिसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 से 10 तक के क्यूब्स लिख देता हूँ। तो क्या होगा, आपको इजी पड़ेगा। डस्टर से अगर मैं यूज करता ना तो पूरा ही रह जाता, तो इसलिए मैंने डस्टर का यूज नहीं किया। ओके, तो अगर नंबर लेंगे जैसे कि 2192 2198, तो इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। क्या करोगे अब, 8 का क्यूब का जो लास्ट नंबर है वो क्या है? तो 8 का क्यूब तो इधर है, तो उसका लास्ट नंबर है 2, लिख देंगे 2 डायरेक्टली। फिर क्या करेंगे, 3 के जो पेयर बनाएंगे हम लोग, 3 के पेयर बनाएंगे और उनको काट देंगे। अब बचा 2, 2 2 का आसपास वाले नंबर है 1, एक है ना 2 के आसपास वाला नंबर, अगर 1 लेते तो बड़ा हो जाता, तो 1 ही करेक्ट है। तो 1 किसका है, 1 का है, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली 1 लिख दोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या फिर आपको और एक बार समझो। एक नंबर और लेता हूँ, 589 589, इसका निकालो भाई क्यूब रूट। 589 लास्ट में 7 लेते हैं, चलो तो 7 ले लिया मैंने। तो क्या करेंगे अब मैंने बोला 7 का क्यूब का लास्ट डिजिट क्या है, तो वो 3 है, तो आप डायरेक्टली इधर लिख दोगे 3। फिर क्या करोगे, 3 के पेड़ बनाओगे और उनको काट दोगे। और फिर जो 5 बचा उसका आसपास वाला नंबर भी 1 ही होगा, क्योंकि अगर हमने 8 लिया तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 5 ही करेक्ट है। तो 5 किस 1 1 1 है ना आसपास नंबर, तो वो किसका है, 1 का ही है, तो आप इधर लिख दोगे 1 का है, तो ये 1 का लिख दोगे और ये 13 आपका आंसर हो जाएगा। लिख दो, हो गया आपका आंसर, ठीक जो है ना, बहुत अच्छे है। एक और नंबर लेंगे जैसे कि 732 7302 7 7 3 7 3 7 3 2 7 3 2। ओके, ये नंबर लिया मैंने, इसका क्यूब रूट निकालेंगे।
का जो लास्ट नंबर है वो क्या है? तो वो तो 8 होगा ना, 8 होगा, तो हम इधर लिख देंगे 8। वापस समझा सो, एक मिनट मेरा डस्टर यहाँ पर दिखाता हूँ। हाँ वही नंबर होगा 7302। तो इसका निकालो भाई क्यूब रूट, मैंने क्या बोला 2 का क्यूब का लास्ट नंबर है 8, लिख देंगे इधर 8। और 3 के जो पेड़ बनाएंगे और उनको काट देंगे तो बचा 7, 7 का आसपास वाला नंबर है 1, तो 1 किसका आ रहा है, 1 का ही तो आ रहा है, तो 1 लिख देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर्स निकलते जा रहे हैं भाई आपके, बस इतनी सी दूर ट्रिक है आपकी। तो अब हम सीखेंगे फोर डिजिट के इसको ऐसे से निकालें, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम। तो फोर डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए हम लास्ट में 5, 2, 3, 1 ये नंबर ले लें, इसका निकालो स्क्वायर रूट, मीन्स स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ मैं, क्यू स्क्वायर बोल रहा हूँ। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो पहले जो नंबर जो दिख रहे हैं हमें इसके ऊपर, पहले उनका जो पेयर बनाएंगे हम, 1 का एक पेयर बनाएंगे और 3 का एक पेयर बनाएंगे, आप 3 बॉक्स निकालेंगे और फिर 231 का स्क्वायर निकालेंगे। फिर एक बॉक्स में 231 का जो स्क्वायर है वो है 5, 3, 3, 6, 1। तो एक बॉक्स में बस 3 नंबर बैठ सकते हैं, तो हमने ले लिया 3, 6, 1। तो 3, 6, 1 आप इसके आगे डाल दोगे। फिर बाकी का जो 53 बचा तो 5 का स्क्वायर इधर लिख देंगे 25। तो 53 बचा था वो कैरी कर दिया। ओ भाई मिडल में क्या आएगा? तो मिडल में जो आएगा ना वो हम करेंगे 5 × 231। तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 231 को, तो 5 × 1 = 5 होते हैं, 5 × 3 = 15 होते हैं, 5 × 1 = 10 और 5 × 2 = 10 होते हैं, 12 + 1 = 11 होते हैं। तो आप दोगे 1, 1, 5, 5। पर एक आपको याद रखना है कि ये जो स्क्वायर का जो 2 होता है उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1, 1, 5, 5 मल्टीप्लाई करोगे 2 से, स्क्वायर का 2 होंगे, 2 × 5 = 10, 0, 1 कैरी, और 2 × 5 = 10, 10 + 1 = 11, 1 × 1 कैरी, 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 1, 0, 2 × 3 = 1, 0 आपका आंसर होता है। तो आप क्या करोगे, 2, 3, 1, 0 ये जो 53 बचा है इनको प्लस कर दोगे, क्योंकि कैरी हुआ था ना इसमें, तो 3 + 0 = 3 होते, ये 6 होंगे और ये 3 होंगे और ये 2 होंगे, 2, 3, 6, 3। अब हम 2, 3, 6, 3 इधर लिख देंगे, पर एक बॉक्स में ओनली 3 नंबर्स बैठ सकते हैं। तो 2, 6, 3, 6 मीन्स, तो मैं आपको बताता हूँ कितना आया था, 1, 1, 5, 5 मल्टीप्लाई, हाँ 2, 3, 1, 0 मल्टीप्लाइडेड बाय 2, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4 हो गया वो। हाँ तो जो आपने याद रखा है 231 × 5, 5 × 1 = 5 होते हैं, 5 × 3 = 15 होते हैं, 1 कैरी, और 5 × 2 = 10 होते हैं, 10 + 1 = 11 होते हैं, 1, 1, 5, 5 आपका आंसर आया। तो आप क्या करोगे, 1, 1, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को,
अब टू क्यूब लिया, मैंने पहले ही बता दिया इसका मतलब लिया हमने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10 0 1 कैरी, 2 5 10 10 प्लस 1 11 1 1 कैरी, 2 1 2 2 प्लस 1 3 और 2 1 2 2 3 1 0 प्लस 53 करेंगे अब, 2 3 1 0 प्लस 53 मैंने बता दिया कैरी किया हुआ था पहले का, तो 0 प्लस 3 3 5 प्लस 1 6 3 एज इट इज़ और 2 एज इट इज़। तो एक बॉक्स में ओनली 3 नंबर बैठ सकते हैं, तो हम 2 कैरी कर देंगे यहाँ पर और 363 इधर लिख देंगे और इसका टोटल कर देंगे, तो 25 प्लस 2 इज़ 27 और बाकी का एज इट इज लिख देंगे 363 361। ये आपका आंसर होगा इसके स्क्वायर का। मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा, अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया होता तो आप फटाफट से आंसर निकाल लेते। तो लेट से आप एक नंबर लेंगे, लास्ट में 2 3 1 लेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर मुझे पता है, इसलिए हम मैंने 2 3 1 लिया था लास्ट में, कोई भी नंबर ले सकते हो पर मैं लास्ट में 2 3 1 ही लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ईजी पड़ता है उसका स्क्वायर निकालना। और 3 केक फिर बनाएंगे और 1 का 1 फिर बनाएंगे, 3 बॉक्स निकालेंगे और 1 5 3 3 6 1 इसका होता है तो हम तो लिख नहीं सकते, 361 लिख देंगे, है ना। आपकी जो आंसर होगी वो कैलकुलेटर में भी करेक्ट आएंगे, देख लेना। तो 53 कैरी कर दिया तो 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, तो अब 231 मल्टीप्लाईड बाय 4 इज इक्वल टू, तो 4 1 4 4 3 12 1 कैरी एंड 4 2 8 8 प्लस 1 9 9 24 आपका आंसर होता है। तो आप जो 924 बचा है 924 मल्टीप्लाईड बाय स्क्वायर का 2, ये जो स्क्वायर का 2 है ना इसको बोलते हैं स्क्वायर का 2, तो हम लेंगे स्क्वायर का जो 2 है वो बचा हुआ लेंगे, तो 4 2 8 और 2 2 4 और 2 9 18 1 8 4 8। तो अगर हमने 1 8 4 8 प्लस 53 किया, अब 53 क्यों किया क्योंकि मैंने कैरी किया था, तो 1 8 4 8 प्लस 53 करोगे। और हाँ, अगर आपको 3 डिजिट का भी निकालना है तो यही ट्रिक यूज़ करोगे, और मैंने 2 3 1 इसलिए लास्ट में लिया क्योंकि मैं जो इसका स्क्वायर पता है टाइम लग जाएगा अगर मैंने इसको 3 डिजिट का किया तो यहाँ पर हम यही ट्रिक यूज़ करेंगे, 3 बॉक्स निकालेंगे, बस एक मॉडिफिकेशन करेंगे अगर हमको 3 डिजिट